नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में राजस्थान में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है, RSM SSB JEE एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपसे 189 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि RSM SSB JEE एग्रीकल्चर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, RSM SSB JEE एग्रीकल्चर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, RSM SSB JEE एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या रहेगा, RSM SSB JEE एग्रीकल्चर की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको राजस्थान जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती हो तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जो कि राजस्थान जेई एग्रीकल्चर नोटिफिकेशन 2022 का लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, राजस्थान जूनियर इंजीनियर वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका अभी हाल ही में जारी किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSMSSB ने राजस्थान सरकार के कृषि विभाग में जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार RSMSSB ने कृषि विभाग में जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर के 189 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 7 जून से 6 जुलाई 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से RSMSSB में राजस्थान जेई एग्रीकल्चर वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम RSMSSB जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपोर्टेड डेट क्या क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें, आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं राजस्थान जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो RSMSSB जेई एग्रीकल्चर वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो नॉन टीएसपी एरिया के लिए 144 पोस्ट है और टीएसपी एरिया के लिए 45 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 189 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देखना चाहते हो तो वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ये जानकारी देख सकते हो। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो राजस्थान जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर वैकेंसी के लिए आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय में कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। अगर आपने कृषि इंजीनियर डिग्री यानी एग्रीकल्चर इंजीनियर डिग्री प्राप्त करके किसी भी विश्वविद्यालय से या से किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार जो आयु में छूट दी जाती है सरकारी नौकरी में, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो RSMSSB जेई एग्रीकल्चर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका फॉर्म अब 7 जून 2022 से भरना शुरू होगा। अगर बात करें राजस्थान जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में, तो आप 6 जुलाई 2022 तक अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। अगर बात करें कि RSMSSB जेई एग्रीकल्चर की एग्जाम डेट के बारे में, तो आपका एग्जाम वो अभी 10 सितंबर इसकी टेंटेटिव डेट है वो बताई गई है कि आपका एग्जाम 10 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि RSMSSB जेई एग्रीकल्चर का एडमिट कार्ड वो कब जारी किया जाएगा, तो एडमिट कार्ड आपका अगस्त के लास्ट वीक तक आपका जारी कर दिया जाएगा। अगर आपका 10 सितंबर को एग्जाम होता है तो अगस्त के लास्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा, अलग से इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल EWS और क्रिमिनल लेयर कैटेगरी के अगर बात करें तो आपकी 450 रुपये फीस रखी गई है। OBC MBC की अगर बात करें तो 350 रुपये आपकी फीस वो रखी गई है। SC ST और अदर रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए आपकी फीस है वो 250 रुपये रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया,
या फिर ई मित्र के माध्यम से भी आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं राजस्थान जेई एग्रीकल्चर का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं RSM SSB जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में, यानी इसका एग्जाम पैटर्न वो क्या रहने वाला है, कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो RSM SSB जेई एग्रीकल्चर एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें दो पार्ट होंगे आपके। पार्ट ए होगा आपका, उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी होगा, उसमें आपके जनरल नॉलेज से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल अगर बात करें तो टोटल आपका 300 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब यह देखा जाएगा कि क्या 300 ही क्वेश्चन होंगे या फिर आपके क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं और नंबर के ज्यादा के हो सकते हैं, तो वो अभी आपको बाद में बताया जाएगा। तो अभी तो यही बताया कि आपका 300 नंबर का पेपर रहेगा और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब थोड़ी पेपर के बारे में। तो RSM SSB जेई एग्रीकल्चर का पेपर क्या रहेगा, तो राजस्थान जेईएन एग्रीकल्चर परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी। RSM SSB जेईएन परीक्षा की अवधि 3 घंटे की रहेगी। राजस्थान जेईएन लिखित परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, यानी आपका जो पेपर होगा वो आपका इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, आप जो चाहे वो लैंग्वेज चूज कर सकते हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी आपकी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से करना है। अगर एक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो आपकी एक्यूरेसी पे इसका प्रभाव पड़ेगा, और अगर आपकी एक्यूरेसी कम होगी तो आपके सिलेक्शन होने के कम चांस रहेंगे। तो ये ध्यान रखना, आपको एक्यूरेसी का अच्छा ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर का सिलेबस के बारे में। तो RSM SSB जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो पार्ट बी में सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज का क्या क्या आएगा। तो इसमें आएगा आपका राजस्थान की कला जो कि आर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था राजस्थान और भारत दोनों की, राजस्थान की संस्कृति और परंपराएं, राजस्थान का इतिहास और साहित्य, इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राजस्थान का इतिहास आ गया और राजस्थान की धरोहर से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपकी राजस्थान जीके लगभग सारी इसमें आने वाली है, तो आपको राजस्थान जीके आपको अच्छी तरह से कवर करनी है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना है प्रत्येक टॉपिक। आपके पास पेपर तक 2-3 महीने है आपके पास। अगर आप राजस्थान जीके की ऑनलाइन प्रैक्टिस शीट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस शीट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके अपना जो टेस्ट है वो लगा सकते हो, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं पार्ट ए का आपका सिलेबस क्या रहेगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। तो एग्रीकल्चर इंजीनियर की अगर बात करें तो सोल एंड वाटर कंजर्वेशन, इसके अलावा वाटर शेड प्लानिंग, इरिगेशन, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, फार्म पावर एंड मशीनरी, ये आपके टॉपिक है, इनको आपको अच्छी तरह से कवर करने हैं। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, थ्रेशिंग मशीनरी, ड्राइंग इक्विपमेंट, डेयरी इक्विपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी जो आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की थी उसमें आपने पढ़ा था, वही सारी चीजें आपसे क्या इस पेपर में पूछी जाएगी। तो अगर आपने उस समय अच्छा पढ़ा होगा, अगर आपको ये चीजें याद है तो आप ये पेपर आसानी से पास भी कर लोगे। इसके अलावा आपको कहाँ से कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। एक बार तो आप ये टॉपिक अच्छी तरीके से तैयार करो, आपको बेस्ट बुक भी बताई जाएगी, आपको कौन सी बेस्ट बुक है वो इसके लिए अच्छी रहेगी, आप वो परचेज के लिए उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से बुक है वो परचेज भी कर सकते हो। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी RSM SSB जेई एग्रीकल्चर की सैलरी बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका पे लेवल है वो 10 लगेगा, यानी 10 पे लेवल के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 9300 रुपये से लेकर 34800 रुपये के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, जिसमें आपका ग्रेड पे वो 3600 रुपये आपको दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी सैलरी है वो दी जाने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी आज की एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में राजस्थान जेई एग्रीकल्चर वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है। ये RSM SSB की लेटेस्ट भर्ती है। साथ ही हमने डिस्कस किया कि RSM SSB
जेई एग्रीकल्चर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आरएसएम एसएसबी जेई एग्रीकल्चर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आरएसएम एसएसबी जेई एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या होगा, आरएसएम एसएसबी जेई एग्रीकल्चर की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में डाउट बनी हुई थी राजस्थान जेई एग्रीकल्चर भर्ती को लेकर, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।